हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल कंपटीशन एकेडमी वाराणसी। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबके सामने हम हाजिर हैं 19 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा पोर्टल आता है? ए भूमि राशि पोर्टल, बी वाहन पोर्टल, सी नया चालक पोर्टल, डी परिवहन पोर्टल। तो आपका आंसर है ए भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और राजमार्गों के निर्माण पर तेज़ी से नज़र रखने और लाभार्थियों को लाभों के हस्तांतरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसके लाभों में प्रक्रिया का तेज़ी से पूरा होना, धन का पारदर्शी हस्तांतरण और प्रक्रियात्मक त्रुटि की कमी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने जमा निधि पर ब्याज दरों को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? ऑप्शन ए है 2.7%, बी 6.1%, सी 8.5%, डी 10%। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर को घटाकर 7 साल के निचले स्तर यानी 8.5% पर कर दिया है। EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की बैठक में यह निर्णय लिया गया। EPFO के पास 700 करोड़ रुपए से अधिक का सरप्लस होगा, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपना 6 करोड़ ग्राहकों के लिए 2018-19 के लिए EPF पर 8.65 की ब्याज दर प्रदान की थी। तो आपका आंसर है सी 8.5। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 किस आयोग द्वारा स्थापित किया गया था? ए गाडगिल आयोग, बी वित्त आयोग, सी हिल्टन यंग आयोग, डी गढ़वाल आयोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 हिल्टन यंग आयोग के अंतर्गत स्थापित हुआ था। भारतीय मुद्रा पर रॉयल आयोग के रूप में भी जाना जाता है, जिसने 1926 में भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने के लिए पारित किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए एक सीमा तक उधारकर्ताओं और उधारकर्ताओं के एक समूह के लिए जोखिम की सीमा को संशोधित करते हुए क्रमशः 15% और 25% की। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के 80 से अधिक पुष्ट मामलों के कारण इसे भारत सरकार द्वारा कौन सी आपदा घोषित किया गया है? ए प्राकृतिक आपदा, बी अधिसूचित आपदा, सी उच्च आपदा, डी सर्वोच्च आपदा। तो भारत में कोरोना वायरस के 80 से अधिक मामले पुष्टिकरण हुए हैं, जिसे अधिसूचित आपदा के रूप में घोषित किया गया है। इस मामले की पुष्टि होने के बाद भारत के COVID-19 को अधिसूचित आपदा घोषित किया गया और राज्य आपदा राहत कोष अस्थायी रूप से भोजन आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल, बाहरी शिविरों में रोगियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा। हालांकि राज्य आपदा राहत कोष का इस्तेमाल महामारी के लिए नहीं किया जाता है, वे केवल चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटने, हिमस्खलन आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए किए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने COVID-19 को एक अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल किया है, इसलिए अब इस धनराशि शामिल करके इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? ए असम, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो आपका आंसर है सी उत्तर प्रदेश। कौशल सतरंग योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा हब योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के साथ कौशल प्रशिक्षण, वजीफा और रोजगार प्रदान करने के आश्वासन पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत यूपी सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ और कौशल प्रशिक्षण और ₹25,000 प्रतिमाह वजीफा के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संपन्न विंग्स इंडिया इवेंट के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, विंग्स इंडिया इवेंट संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI द्वारा आयोजित किया गया है। दो, वर्ष 2020 का विषय फ्लाइंग फॉर ऑल है। आपके ऑप्शन हैं केवल ए, केवल बी, सॉरी आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सी है कि एक और दो, और डी है ना एक और ना ही दो। तो अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि विंग्स इंडिया इवेंट संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमान पत्तन और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, रक्षा मंत्रालय इसमें नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, वर्ष 2020 का विषय फ्लाइंग फॉर ऑल है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा केवल दो, बी। विंग्स इंडिया इवेंट 2020 का आयोजन 12 से 15 मार्च को हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट तेलंगाना में किया गया था। कब किया गया था? 12 से इस इवेंट का आरंभ 12 से 15 मार्च के बीच हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंड इथियोपाई पुनर्जागरण बांध यानी GERD के हालिया घटनाक्रम के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, GERD अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इसे इथियोपिया में शेबेल नदी पर बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, इथियोपिया पूर्व में लाल सागर की सीमा बनाती है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, ग्रैंड इथियोपाई पुनर्जागरण बांध जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है, ब्लू नील नदी की सहायक नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी पर बनाया गया है। तो ये गलत है कि शेबेल नदी पर बनाया गया, ये किस पे बनाया गया है? ब्लू नील नदी पर। सेकंड स्टेटमेंट, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत होता है। सेकंड है, इथियोपिया पूर्व में लाल सागर सीमा बनाती है, जबकि स्टेटमेंट फर्स्ट सही क्या है कि इथियोपिया उत्तर पश्चिम में सूडान, उत्तर पूर्व में इरिटिया, पूर्व में जिबूती, दक्षिण पूर्व में सोमालिया, दक्षिण पश्चिम में केन्या और पश्चिम दक्षिण में सूडान से घिरा 6 देशों से घिरा देश है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होता है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल शक्ति मंत्रालय के तहत गंगा आमंत्रण अभियान नदी के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके इस अभियान का आयोजन किया गया है। ए, ब्रोशर और पैम्फलेट वितरण अभियान, बी, गंगा स्वच्छता अभियान, सी, रोड शो के द्वारा गंगा सफाई के बारे में जागरूकता अभियान, डी, गंगा नदी पर खुला जल राफ्टिंग और कैकिंग अभियान। तो आपका ऑप्शन डी सही है, गंगा नदी पर खुला जल राफ्टिंग और कैकिंग अभियान। इस मिशन के तहत एक अनूठी पहल की गई है जिसमें नदी जल कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर एक खुला जल राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान का आयोजन किया गया है और इस अभियान को देवप्रयाग में शुरू किया गया और गंगा सागर में समाप्त हुआ। यह अभियान कहाँ शुरू हुआ? प्रयागराज में शुरू हुआ था और गंगा सागर में समाप्त किया गया, जिसके साथ नदी के पूरे 25,000 किलोमीटर हिस्से को कवर किया गया था और स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन ने 14 मार्च को अपने प्रमुख कार्यक्रम गंगा आमंत्रण अभियान के समापन के लिए नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT ने भारत के वित्त मंत्री से कोरोना वायरस प्रकोप के कारण अपने व्यवसायों के लिए बीमा कवरेज की अपील की, इस बारे में कौन सा कथन सही है। कथन एक है, CAIT ने एक अतिरिक्त आवरण के रूप में कोरोना वायरस के कारण होने वाले अवरोधों को शुरू करने का सुझाव दिया। बी, संदीप खंडेलवाल अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT के महासचिव हैं। तो ऑप्शंस आपके हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना एक और ना ही दो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि CAIT ने वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण से अपील की है कि वे बीमा कंपनियों को अनिवार्य करने के लिए प्रत्यक्ष नियामक IRDAI को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण व्यवधानों के लिए कवरेज पेश करें। CIT ने वित्त मंत्री के साथ इस मामले के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी इस तरह का प्रतिनिधित्व भेजा है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से मिथानोट्रोफिक बैक्टीरिया किस चक्र में अहम भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन चक्र, बी मीथेन चक्र, सी ऑक्सीजन चक्र, डी कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। तो मिथानो ट्रॉफिक बैक्टीरिया, नाम से ही आपको समझ आना चाहिए ये आपका होगा मीथेन चक्र। मिथानोट्रॉफिक बैक्टीरिया को मिथेनोट्रॉप्स भी कहा जाता है और ये प्रोकैरियोटिक है, जहाँ ऊर्जा के लिए मीथेन उसका एकमात्र स्रोत होता है। वे मीथेन को मेथनॉल में बदलने के लिए जिम्मेदार है और ऐसा करके वे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस को हटाते हैं और इसे स्थायी ईंधन में बदलते हैं। मीथेन चक्र मिट्टी में शुरू होता है, या मीथेन चक्र कहाँ स्टार्ट होता है? मिट्टी में शुरू होता है, जहाँ मीथेन गैस रोगाणुओं द्वारा बनाई जाती है। मिट्टी मीथेन का सेवन मिथेनोट्रॉप्स सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है जो मीथेन पर फीड करते हैं। मिथेनोट्रॉप्स दलदली मिट्टी की परतों पर रहते हैं, जो दलदल की गहरी गीली ऑक्सीजन मिट्टी के ऊपर होती है। तो मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जिन्हें मिथेनोट्रॉप्स भी कहते हैं, इनकी ये कहाँ अपनी अहम भूमिका निभाते हैं? मीथेन चक्र पे, जो कि दलदली भूमि की मिट्टी पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।